आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर रेबीज से हमें अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने पेट को बचाना है तो क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं जो हमको ध्यान में रखना है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको रेबीज के बारे में और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रेबीज क्या होता है। रेबीज एक वायरल डिजीज है। जैसे कोरोना काल में कोरोना डिजीज आपने देखा होगा, उसका कोई इलाज नहीं था और जो भी लोग बचे हैं वो केवल अपनी इम्यूनिटी से ही बचे हैं, कोई मेडिसिन काम नहीं की थी। ऐसे ही रेबीज में क्या होता है, रेबीज कोरोना से 10 कदम आगे है, क्योंकि रेबीज बीमारी जो है इस ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर किसी भी पेशेंट्स को, किसी भी मैमल्स को, मैमल्स मतलब जो स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चे को जो है दूध पिलाते हैं उन्हें मैमल्स बोलते हैं, तो मैमल्स की ये डिजीज है और ये डिजीज जो है वो 100% फैटल है, मतलब कि इसका कोई इलाज ही नहीं। एक बार अगर पेशेंट्स को बीमारी होगी रेबीज की तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी डेडली एंड इसका जो सिम्टम्स भी बहुत खतरनाक होता है। जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि अगर किसी भी ह्यूमन पेशेंट्स को अगर जो है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो एडल्ट हो, अगर उनको रेबीज हो गया तो उनको जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता, मतलब पानी नहीं पी सकते हैं, इनका ट्रेकियल जो मसल्स होती है उसमें घुटन होने लगती है, दर्द होता है अगर हम कोई चीज घोटते हैं तो कोई भी लिक्विड फूड अगर हम घोटेंगे तो बहुत पेन होगा। बिकॉज ऑफ पेन कोई भी पेशेंट जो है वो नहीं चाहता कि उसको कोई पानी दे या पानी पूछे। तो ये बहुत ही कॉमन साइंस है जो कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ये ह्यूमंस में देखा जाता है बट ये साइंस जो है वो डॉग्स में नहीं पाया जाता। रिमेंबर दिस, तो डॉग्स में अगर रेबीज हो रहा है तो डॉग्स में हाइड्रोफोबिया नहीं होगा बट ह्यूमन पेशेंट में हाइड्रोफोबिया बहुत ही कॉमन क्लासिकल साइन है। ठीक है, कैसे फैलती है, तो कैसे फैलती है, बेसिकली क्या है, ये बाइट से ही फैलती है। कोई भी डॉग जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे वो घर का डॉग हो, या फिर कोई वाइल्ड एनिमल जैसे सीआर हो गया, जैकाल, ठीक है, या कोई भी वाइल्ड कैट हो गई, ठीक है, या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स जो मैमल है, इन सब में ये जो है रेबीज वायरस होते हैं। ये रिजर्वायर होस्ट है, मतलब इसमें पाया ही जाता है, चाहे वो सिम्टम्स ना दिखाएं पर उनके सलाइवा में, उनके झाग में ये वायरस होता है। तो जो सलाइवा होता है उसी में वायरस ज्यादा होते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही बाइट होगी तैसे ही जो है, अगर हमने उसका प्रॉपर इन्फेक्शन मैनेजमेंट नहीं किया, वैक्सीनेशन नहीं करवाई, प्रॉपर प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट नहीं किया, तो फिर रेबीज होना तय है। रेबीज के सिम्टम जो है वो एक हफ्ते से लेकर साल भर भी लगाते हैं दिखाने में, जिसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एक ऐसी बीमारी है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लॉन्ग है, इट्स टोटली अनडिफाइंड, एक हफ्ते से लेके एक साल, कभी कभी आपने न्यूज में देखा होगा कि 12-13 साल के बाद भी सिम्टम्स आया है। सो आप इसमें यह नहीं कह सकते कि सिम्टम्स कब आएगा। एक ही तरीका है कि इसका हम जैसे ही रेबीज हो, जब भी बाइट हो डॉग की या वाइल्ड एनिमल की, हम तुरंत उसका वैक्सीनेशन कराएं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक बार हो गया तो फिर डेथ होनी पक्की है। हम लोग वेट हैं, हम लोग को पता है इन सब चीजों के बारे में, लिथैलिटी के बारे में, इसलिए हम लोग अपना साल में एक बार जरूर वैक्सीनेशन कराते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो डॉग, जो पेट हमारे क्लिनिक पे आया है वो पता नहीं वैक्सीनेशन उसका प्रॉपर है कि नहीं है। अगर उसने हमें हैंडलिंग करते समय हमें काट लिया, स्क्रैच कर दिया, तो वो हमारी रिस्क होगा, हमारे अटेंडर के लिए रिस्क होगा, हमारे केयर टेकर के लिए रिस्क होगा, तो फिर हम ऐसा बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग एनुअल वैक्सीनेशन कराते हैं। इसलिए जितने भी पेट पेरेंट हैं उनको सबको जो है एनुअल वैक्सीनेशन अपना खुद का प्रोफाइलेटिक कराना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स जो है अगर हम देखें डॉग्स में देखें तो उसमें क्या होगा कि उसके उसकी बॉडी जो है काफी ज्यादा मेंटल कंफ्यूजन रहेगी, वो इधर उधर भागेगा और कोई भी हाइपरसोनिक साउंड आएगा जिसमें आवाज ज्यादा है तो उसी के पीछे चेस करेगा, उसको बाइट करने की उसको चेस करेगा। आंखें देखेंगे तो काफी ज्यादा रेड हो जाएंगी और उसके साथ साथ उसको काफी झाग निकलेगी, सलाइवेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे डॉग जो है काफी ज्यादा मेंटल कंफ्यूजन में रहते हैं और इधर उधर भागते हैं, लड़ते हैं और बाइट करते हैं। ये कॉमन साइंस है रेबीज के बारे में। ह्यूमन के बारे में क्लासिकल साइंस मैंने आपको बताया, हाइड्रोफोबिया होता है और मेंटल कंफ्यूजन ह्यूमन को भी होती है और उनको कुछ कोई चीज समझ में नहीं आएगी, वो चलेंगे, डर जाएंगे, हाइपर एस्थेटिक रहेंगे, तो ये ह्यूमन में भी इस तरह का साइंस आता है। ठीक है, एज पर दी WHO रिपोर्ट्स इंडिया में हर साल 20,000 से ज्यादा लोगों की डेथ केवल रेबीज से हो रही है। कैन यू बिलीव दिस, 20,000 से ऊपर की डेथ रेबीज से होती है हर साल। इतना इफेक्टिव मेजरमेंट लेने के बाद भी लोग लापरवाही कर जाते हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर देन 60% केसेस जो इंडिया में रिकॉर्ड होते हैं वो 15 साल के बच्चों के नीचे हैं। WHO की बात हम करें, एज पर द WHO गाइडलाइन तीन तरह के एक्सपोजर होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एक्सपोजर। नंबर 1 एक्सपोजर क्या होता है कि उसमें जो है आपका डॉग या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स, कोई भी आपके ऊपर चाट रहा है,
आपको लिक कर रहा है, बट आपकी स्किन इंटैक्ट है, उसमें कोई भी खरोच नहीं है और कोई भी स्किन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो स्किन इंटैक्ट है। अगर इस पर कोई भी डॉग अगर लिक करता है, चाटता है, देन नथिंग टू वरी, आप कंप्लीटली सेफ है, इसमें वैक्सीनेशन कराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड कैटेगरी का एक्सपोजर होता है, अगर आपको आपके डॉग ने जो वैक्सीनेटेड नहीं है या फिर वाइल्ड डॉग ने स्क्रैच कर दिया, स्क्रैच काटा नहीं है, स्क्रैच किया है, पंजे से स्क्रैच किया है, तो वो एक्सपोज हो गया है, वहां सिम्टम्स आ सकते हैं रेबीज के। क्या करना है आपको? वैक्सीनेशन कराना है 0, 3, 7, 14, 28 डेज, मतलब 5 इंजेक्शन लगाने हैं। थर्ड कैटेगरी क्या है? सिंगल ट्रांसडर्मल बाइट या फिर मल्टीपल ट्रांसडर्मल, मतलब कि दांत लग गया है, गड़ा दिया है उसने, ठीक है, गड़ा दिया है, तो वो थर्ड डिग्री का एक्सपोजर हो जाएगा। यहां पे आपको वैक्सीनेशन लेनी है, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? रेडीमेड पैसिव एंटीबॉडीज होती है कि मार्केट में अवेलेबल है, उसको क्या करना है, उसी दिन आपको बाइट ऑफ बाइट पे लगाना है, वहीं पे इन्फिल्ट्रेट करना है, क्योंकि जब भी हम कोई वैक्सीन लगाते हैं वो वैक्सीन जो है बेसिकली क्या होता है कि उसको एंटीबॉडी डेवलप करने में 21 डेज लग जाते हैं। 21 डेज में तो इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन से ही शुरू हो जाता है, तो अगर 21 डेज अगर हम डीप बाइट है, किसी डॉग ने डीप बाइट कर लिया है, उसमें रेबीज वायरस है, और हमने अगर वैक्सीन 0, 3, 7, 14, 28 डेज का लगाया, तब भी उसको रेबीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफी वायरस थे और एंटीबॉडी बनने में 21 डेज का गैप पीरियड हो गया, तक इंफेक्शन बॉडी में चला गया। ये जो पैसिव एंटीबॉडी है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये 21 डेज तक रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है उस लोकल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, एक तरह की कोटिंग कर देता है वो, इसमें पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, तो वो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत जरूरी है। इसकी हाफ लाइफ काफी कम होती है, 21 डेज तक ही काम करता है, तो 21 डेज के बाद फिर आपका तो ऑलरेडी आपने वैक्सीन भी स्टार्ट कर रहे हो, तब तक एंटीबॉडी बन जाएगी। इसी ध्यान रखिएगा, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन 7 दिन बाद, जैसे मान लीजिए आज आपको बाइट किया, आपने रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगवाया, आपने जो है एक वैक्सीन स्टार्ट कर दी, 7 दिन तक आप इम्यूनोग्लोबुलिन लगा सकते हैं, 7 दिन के बाद अगर लगाएंगे तो फिर एंटीबॉडी नहीं बनेंगे बॉडी में, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कहता है 7 दिन तक ही इसका इफेक्टिव पीरियड है इम्यूनोग्लोबुलिन, आपको टाइम ऑफ बाइट से लेके 7 डेज के अंदर ही लगाना है, उसके बाद नहीं लगाना है। वैक्सीन तो 0, 3, 7, 14, 28 डेज पे तो आपको लगा ही लगाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये भी बहुत बहुत जरूरी है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इतना आप कर लिए तो आप बच जाओगे 100%। WHO कहता है कि आप बच जाओगे, कुछ भी नहीं होगा आपको। ये तो हो गया पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। सेकंड क्या है आपका? प्री एक्सपोजर, मतलब अगर आपको बाइट होने के बाद एक्सपोजर नहीं लेना है तो पहले भी वैक्सीन का प्रोटोकॉल है WHO के हिसाब से 0, 3, 21 डेज, मतलब आज आपने इंजेक्शन लगवा लिया, तीसरे दिन पे, फिर 21 दिन पे, हर साल फिर आप एक बार लगाते रहो तो आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो, आपके पास की बॉडी में एंटीबॉडी रहेगी, अगर डॉग बाइट भी कर लेता है तब भी आपको जरूरत नहीं लगाने की, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। आपको 5 का प्रोटोकॉल और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोटोकॉल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यूजली हर साल लगाते हैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैक्सीन कभी कभी लोगों को मिल नहीं पाती है, एटलीस्ट थोड़ा डिले हो जाता है, तो क्या कीजिए आप अपने घर पे, क्या कीजिए, जैसे ही आपको स्क्रैच हो या बाइट हो, आप क्या करो, तुरंत डिटॉल लीजिए और रनिंग वाटर में, पहले तो उस वुंड को रनिंग वाटर में 10 मिनट तक साफ करते रहिए। इसका लॉजिक है, साइंस है इसके पीछे, भी लोकल वायरस रहेंगे जो बाइट में है निकल जाएंगे, तो आपका एक्सपोजर आप कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, उनकी जो वायरस का जो संख्या है, टाइटर है, वो कम कर सकते हो, इज इंपॉर्टेंट। प्लीज आपसे निवेदन है कि प्लीज आप ये वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करो, और आप जो है एक अच्छे डॉक्टर से जरूर संपर्क में रखिए, कि बहुत जरूरी है, और अगर आप संपर्क नहीं रहोगे तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते। डॉक्टर मिश्रा से डायरेक्टली कॉल करने के लिए आप क्वालिफॉर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, इसको आप इंस्टॉल कीजिए, वैलिड को रिचार्ज कीजिए, उसके बाद इनकी आईडी सर्च कीजिए drmishra@cm4, और उसके बाद अवेलेबिलिटी चेक करके कॉल कीजिए। इस वीडियो को बहुत फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैन यू प्लीज फॉलो दिस। थैंक यू, नमस्ते।